हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई। हम न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स में बार बार सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने एमएसएमईज में कुछ चेंजेस लेके आए हैं, एमएसएमईज के लिए बजट में इतने पैसे एलोकेट किए गए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू एमएसएमईज में ये चेंजेस आए हैं या इतने एंटरप्राइजेस एमएसएमईज में आते हैं। तो हमारे मन में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि ये एमएसएमईज क्या है और एमएसएमई में कौन से ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो एमएसएमईज के अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस चलते हैं हमारे इंडिया में इकोनॉमी में, और एमएसएमईज एक ऐसा सेक्टर रहता है जिसमें जो हमारी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एमएसएमईज होता क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं एमएसएमईज। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस अभी हाल ही में रिवाइज की गई है। अभी जो इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत का हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो 13 मई को लेके आई थी, उसमें इसकी डेफिनेशंस को काफ़ी हद तक रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि पहले एमएसएमईज को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता था, कौन से ऐसे एंटरप्राइजेस थे जो माइक्रोज में आते थे, कौन से ऐसे एंटरप्राइजेस थे जो स्मॉल में आते थे, और कौन से ऐसे एंटरप्राइजेस है जो मीडियम में आते थे। ठीक है, तो पहले की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले हम ये जानते हैं कि क्या था। अकॉर्डिंग टू एमएसएमईज एक्ट 2006, पहले 2006 से चला आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम एंटरप्राइजेस को माइक्रो मीडियम स्मॉल में डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एमएसएमईज एक्ट 2006 जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उनको कैसे हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते थे, तो इसकी डिफाइन कैसे करते थे, दो बेसिस पे हम उस टाइम पे डिफाइन करते थे। पहला था मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और दूसरा था सर्विस एंटरप्राइजेस। एक एंटरप्राइजेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस एंटरप्राइजेस है तो वो एमएसएमईज में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि वो माइक्रो है, कि वो स्मॉल है, कि वो मीडियम है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिल किए गए थे जिसको अगर वो फुलफिल करता है तो वो माइक्रो में आएगा, वो स्मॉल में आएगा, वो मीडियम में आएगा। लेकिन उस टाइम पे हम दो बेसिस लेते थे उसके। पहला बेसिस ये रहता था कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है, दूसरा बेसिस ये रहता था कि कहीं वो सर्विस सेक्टर तो नहीं है। ठीक है, उसके बेसिस में करते थे, मतलब सर्विस सेक्टर को अलग लेते थे उस टाइम पे और मैन्युफैक्चरिंग को अलग लेते थे। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं, जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है जिसका अपने बिजनेस में अप टू 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, वो कहलाया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइज वुड बी कॉल एज और विल फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस अगर उसने अपने एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, अप टू 25 लाख तक का। और क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, तो क्या करेगा वो स्मॉल में, कैसे कोई भी एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइज में कैसे आएगा, उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ तक का किया है तो वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में फॉल करेगा। लेकिन वो कौन सा एंटरप्राइज होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एंटरप्राइज मीडियम की कैटेगरी में फॉल करता था अगर उसने अपने बिजनेस में अप टू 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बिजनेस में अगर अप टू 10 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में फॉल करेगा अंडर एमएसएमईज एक्ट 2006। लेकिन वो कौन सा एंटरप्राइज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है दो कैटेगरी में, मैंने बोला था पहले हम दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सर्विस सेक्टर में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा एंटरप्राइजेस माइक्रो में है, कौन सा स्मॉल में है, कौन सा मीडियम में। अगर किसी का भी कोई भी सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट उनके एंटरप्राइज में अप टू 10 लाख तक का है, किसी ने भी अपने बिजनेस में जो कि सर्विस सेक्टर का बिजनेस है अगर 10 लाख तक का उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैटेगरी माइक्रो एंटरप्राइजेस में फॉल करेगा। वो माइक्रो, हम उनको किस में लेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस के हेड में लेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा है सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज जिसने अपना इन्वेस्टमेंट, उसके बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट अप टू 2 करोड़ रुपीज तक का है, 2 करोड़ तक का है, तो वो किस में आएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस में। और कोई भी एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट उनके सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज में अप टू 5 करोड़ तक का है तो वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो ये था पहले,
अर्लियर पहले हम ऐसे डिफरेंशिएट करते थे कि MSMEs, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि अगर अपने बिजनेस में इतने इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी में हम क्यों डिवाइड करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नए नए चेंजेस और रूल आते हैं टैक्स के लिए, या उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स का फुलफिलमेंट करना रहता है, तो अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस और सारे डॉक्यूमेंटेशंस वर्क्स रहते हैं, इसलिए उनको ईज ऑफ वर्क करने के लिए हम उन्हें उनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो कि फिर भी लैग कर रहे हैं। लैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पा रही है। ग्रो नहीं क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो MSMEs रहते हैं वो इंडिया के GDP ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे अप टू 27% ऑफ जो GDP रहता है, ग्रोथ रेट रहता है, वो MSMEs के थ्रू आता है अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ठीक है। लेकिन ये GDP लैक कर रहा था तो गवर्नमेंट को ये लगा कि इसमें हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अभी जो आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और 13th of May 2020 को लेके आई थी, कोरोना के टाइम पे, कोविड एरा में जो वो लेके आई थी, उन्होंने उस टाइम पे MSMEs का एक न्यू डेफिनेशन दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशन। पहले क्या था, रिवाइज्ड हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पहले हमने जाना पहले कैसे हम क्लासिफाई करते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रपोजल, न्यू अमेंडमेंट्स अभी के बाद से हम MSMEs को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमें MSMEs को डिफरेंशिएट करने के लिए दो क्राइटेरिया लगते थे। पहला था क्या था, हम मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर्स के MSMEs को अलग लेते थे और सर्विस सेक्टर के अलग लेते थे। लेकिन अभी के जो रिवाइज रिवीजन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो दोनों सिमिलर हैं। देर इज नो डिफरेंशिएट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अब सारे एंटरप्राइजेस को एक साथ ही लेके किया जाएगा। अब पहले हम उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे अभी हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि वो सर्विस सेक्टर है या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है। अगर न्यू अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग, न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग, न्यू रिवीजन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज कोई भी है जिनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर लेस देन, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स अप टू द पीरियड, मतलब उनकी इनकम कितनी हुई उस पीरियड में, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। तो अगर किसी भी बिजनेस का उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और उनका जो टर्नओवर बनता है ईयरली साल भर का वो लेस देन 5 करोड़ होता है, वो सारे एंटरप्राइजेस हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस में फॉल करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या क्या फॉल करेंगे, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर उनका इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस में अप टू 10 करोड़ तक का है। पहले कितना था, पहले इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ था, सर्विस सेक्टर में 2 था, लेकिन अभी चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उनका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ तक का है और उनका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, उनका टोटल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ का है, तो वो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस में कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या क्या फॉल करेगा, अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज का उसका इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में अप टू 20 करोड़ तक का है और उनका टर्नओवर साल भर का टर्नओवर 100 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ उनका आ रहा है टर्नओवर, मतलब लेस देन 100 करोड़ ले सकते हैं, वो हमारे फॉल करेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। अब क्या हुआ, अब देखते गए तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें थोड़ा कुछ और चेंजेस लाना चाहिए। एक और रिवीजन आया है जो कि 1st of June 2020 में आया है, किसके लिए, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट चेंज, अगर कोई भी एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 20 से बढ़ा के उसको 50 करोड़ कर दिया है, कोई भी एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में अप टू 50 करोड़ तक का है और उनका टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ तक का है, तो वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में फॉल करेगा। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी बेनिफिट्स और जितने भी सर्विसेज या जितने भी एंजॉयमेंट हम मीडियम एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट देती है वो एंजॉय कर पाएंगे। अब हम ये सोच रहे होंगे कि ये जो चेंजेस हैं वो हमने बढ़ा, गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाए हैं उन्होंने बढ़ाया क्यों है,
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर पैकेज इकोनॉमिक पैकेज जो कि आया था 13 मई में, उन्होंने उनको बढ़ाया क्यों है देखा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ने उन्होंने 25 से लेके 1 करोड़ कर दिया, इसमें 5-2 को लेके 10 कर दिया और अप टू 10 करोड़ को उन्होंने 220 और 50 करोड़ कर दिया। ये इसलिए चेंजेस किए कि जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस रहते थे इनको बहुत सारे एन्जॉयमेंट मिलते हैं, मतलब इकोनॉमिकली हमारी सेक्शन को बूस्ट करते हैं, हमारी कंट्री के जीडीपी को बढ़ाते हैं, तो इनको गवर्नमेंट के तो बहुत सारे रिलीव्स एंड बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि ये बिजनेस को कंटिन्यूएशन में रन करें और इनको सपोर्ट करें इंडिया की ग्रोथ में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस रहते थे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते थे, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि लिमिटेशंस के कारण। उनको ये लगता था कि अगर हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तो जितने एन्जॉयमेंट्स, जितने बेनिफिट्स अभी हमें एमएसएमईस के एक्ट के थ्रू मिल रहे हैं वो हम खो देंगे, दे विल मिस इट आउट, उन लोग और ज़्यादा टैक्स के चपेट में आ जाएंगे। इसके कारण हमारी जो एक एमएसएमई सेक्टर थे वो ग्रो नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये चेंजेस अगर हम बढ़ा देते हैं तो एमएसएमईज हमारे क्या करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे, प्लस इसमें जीडीपी का भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के ग्रोथ होगा, तो इसलिए ये चेंजेस आए। हाल ही में जो हमारा इकोनॉमिक जो बजट सेशन आया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उसमें जो एलोकेशन किए गए हैं अमाउंट के एमएसएमईज के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किए हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने किया है 15,700 करोड़ रुपीस। पिछले साल कितना हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2021 के बजट के अकॉर्डिंग जो 1 फरवरी 2020 को आया था, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट एलोकेट किया गया था एमएसएमईज के लिए था वो था 75, इसको बढ़ा क्यों दिया, क्योंकि इकोनॉमिकली हम जितना ज़्यादा एमएसएमईस को सपोर्ट करेंगे और करंट एरा इकोनॉमिकली जो हम देख रहे थे अभी जो कोविड का एरा था उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हमारा इंडिया बैकवर्ड चले गया था, इंडिया की बात क्या करें सारी कंट्रीज उससे सफ़र कर रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि अगर हम बूस्ट करेंगे हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस को तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी या इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अभी साथ में 300 करोड़ रुपीस का और इसमें एलोकेशन किया गया है फॉर टेक्नोलॉजिकल सेंटर के लिए, टेक्नोलॉजिकल सेंटर के लिए जो कि सपोर्ट करेंगे एमएसएमईज। टेक्निकली जितना हम हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से फास्ट ग्रो करेंगे और एक्सपैंड करेंगे, जितना वो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आज का ये था हमारा टॉपिक एमएसएमईज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।